सो गाइस, आज वाली वीडियो होने वाली है मेरी लास्ट ट्यूटोरियल की सेकेंड पार्ट, मीन्स 3D टाइपोग्राफी की पार्ट 2। एंड आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ दैट आप किस तरह से स्ट्राइप्स वाली टाइपोग्राफी कर सकते हो अलाइट मोशन के अंदर यूजिंग नल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब देखो यार, लास्ट का जो वीडियो था उसमें भी मैंने यूज़ किया था नल ऑब्जेक्ट्स का, एंड आज वाली वीडियो में भी करने वाला हूँ, जिससे यार आपकी जो टाइपोग्राफी है वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लगेगी ही, प्लस आपको और एक चीज़ सीखने को मिलेगी। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा था एंड आज वाला वीडियो भी अच्छे से देख लेते हो, तो आपको यार पूरा का पूरा नल ऑब्जेक्ट का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है टाइपोग्राफी के रिलेटेड, वो अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड बाकी जो भी बचा रहेगा वो मैं आपको दूसरे वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लाइट मोशन के अंदर आ जाना है, एंड आपको फिर क्लिक करना है प्लस आइकन पर, एंड आपको ऐड करना है एक स्क्वायर या तो एक रेक्टेंगल। मैं इसे स्क्वायर बोलता हूँ बिकॉज ये स्क्वायर ही है पर इसका नाम है रेक्टेंगल। तो आपको इसको ऐड कर लेना है एंड इसे स्ट्रेच कर लेना है आपको जितने टाइम का अपना टोटल चाहिए टाइपोग्राफी का सीन। एंड टाइपोग्राफी अलग प्रोजेक्ट में करना मैं हमेशा बोलता हूँ एंड इस बार भी बोल रहा हूँ। एंड सबसे पहले तुमको यहाँ पे मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाना है, इस रेक्टेंगल के इसके स्केल में जाना है, एंड यहाँ पे विथ एंड हाइट के बीच में एक लिंक का ऑप्शन रहता है, इस पर क्लिक करना, दोनों अनलिंक हो जाएंगे। देन इसकी विथ को कम कर देना एंड हाइट को इंक्रीज कर देना कुछ इतनी, मीन्स हाइट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देना। ठीक है, मतलब कि 2-3 हज़ार रख देना हाइट को। एंड फिर क्या करना है आपको, जाना है कलर एंड फिल पे, एंड इसे कर देना वाइट कलर का, कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आपको फिर से इस पर क्लिक करना है, देन आपको जाना है बॉर्डर एंड शैडो पे, आपको शैडो एनेबल कर देनी है एंड शैडो के साइज़ को बढ़ा देना है। लेटर ऑन हम इसकी शैडो को एडजस्ट कर लेंगे, पर अभी के लिए आप इसे इतना रहने दो। फिर आपको इसके मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पर जाना है एंड इसे मूव कर देना है कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे मूव कर दिया। फिर इसका हमें और भी बहुत सारा स्ट्राइप्स बनाना है इसका डुप्लीकेट करके, पर अभी के लिए हम इसे 3D एक्सेस में आगे पीछे कर लेते हैं, जिससे हमें लेटर ऑन ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। तो उसके लिए हम जाएंगे मूवमेंट ट्रांसफॉर्म के अंदर, जेड एक्सेस पे क्लिक करेंगे एंड जेड एक्सेस को माइनस की तरफ इंक्रीज करते रहेंगे। तो इसकी जो जेड एक्सेस है उसको मैं माइनस 1000 के आसपास रख रहा हूँ, एंड ये जो नंबर है जितना आपने माइनस में रखा आपको वो याद रखना है। एंड इसकी जो विथ है उसको मैं हल्का सा रिड्यूस कर रहा हूँ, बिकॉज जेड एक्सेस बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं इसकी जो विथ है वो भी बढ़ जाएगी। तो आपको विथ को सबका एक ही मेंटेन रखना है, अगर आपका जो टाइपोग्राफी अच्छा दिखे तो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर यह जो नंबर लिखा है जेड का, आपको उसको टेक डाउन कहाँ से बोल रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना है। एंड इसका है 1117। फिर आपको अपने रेक्टेंगल पे क्लिक करना है एंड उसे रीनेम कर देना है 1117 करके। अब क्यों रीनेम किया वो आपको आगे जाकर पता लग जाएगा। फिर आपको इसका डुप्लीकेट करना है एंड बस इसको अब रोटेट कर दो, कहीं भी कैसे भी रोटेट कर दो एंड कहीं और इसको प्लेस कर दो, जहां पर भी आपको दूसरा अपना टेक्स्ट चाहिए। एंड देखो यार, रोटेशन वगैरह जो भी है ये बिल्कुल ही रैंडम है, आप कुछ भी कर सकते हो। बस जो जेड एक्सेस है उसको आपको इसकी कम रखना है। ठीक है, मींस पहले हमने रखा था 1117 एंड इसकी जेड एक्सेस को हमें उससे फॉर श्योर कम रखना पड़ेगा। तो मैं 700 के आसपास रख रहा हूँ कुछ, 703। एंड इसकी जो विथ है उसको मैं हल्का सा पहले से मैच करने के लिए चेंज कर लेता हूँ एंड ये कुछ ऐसा दिखेगा। एंड कॉपी वाले लेयर को नीचे कर देना है, देन आपको इस पर क्लिक करना है एंड जितना इसका जेड एक्सेस है सेकंड लेयर का -703 उसको रीनेम कर देना है। तो ये मैं 703 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो रफली आपको ये रीनेम कर लेना है। एंड देखो यार, मैंने तो बस और बस दो स्ट्राइप्स ही क्रिएट किए हैं, पर आपको अपने लिरिक्स के हिसाब से जितना सारा आपको स्ट्राइप चाहिए क्रिएट कर लेना है। एंड देखो यार, मैं तो दो स्ट्राइप्स में दो वर्ड का यूज़ करने वाला हूँ, पर अगर आपका जो लिरिक्स है वो अगर 20-30 आपको वर्ड्स यूज़ करने हैं या तो कितने भी करने हैं, तो आप यार 5-6 स्ट्राइप्स में मतलब कि एक एक सिंगल स्ट्राइप में आप 2-3 वर्ड्स लिख सकते हो। एक ऊपर लिख दिया, एक नीचे लिख दिया, एक लेफ्ट में लिख दिया, मतलब इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, आपने इतना कर लिया, फिर आपको प्लस पे क्लिक करना है एंड आपको ऐड करना है टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख लेना है। तो मैं इसको कुछ भी रैंडम सा लिख रहा हूँ बिकॉज मुझे तो आवाज़ आएगी नहीं, तो इसलिए मैं लिरिक्स के हिसाब से नहीं करने वाला हूँ। एंड देखो यार, यहाँ पर और एक चीज़ आ जाती है, फॉन्ट सिलेक्शन। तो फॉन्ट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो,
तो देखो यार, अब यहाँ पर और एक चीज़ आ जाती है, फॉन्ट सिलेक्शन। एंड यार फॉन्ट सिलेक्शन आप कोई भी कर सकते हो। अलाइट मोशन के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे इनबिल्ट फॉन्ट्स आते हैं, आपको वो अच्छे लग रहे हैं तो सिलेक्ट कर लो, एंड अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं तो अपना कुछ लाइक कुछ भी एक कर फॉन्ट इंपोर्ट कर लेना। मैं यहाँ पे रोबोटो ब्लैक फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, मेरे फ़ोन में भी है एंड लाइट मोशन के अंदर भी है आई थिंक सो। बस इसे आप रिस्केल कर लो, इसके साइज इंक्रीज़ कर दो एंड एंड तक एक्सटेंड कर दो इसको, ठीक है, कर दिया। फिर आपको क्या करना है, आपको ये आप सोचना है कि आपको इसको किस लाइन के ऊपर रखना है। अब मुझे इसको 1117 वाले लाइन के ऊपर रखना है, तो मैं जस्ट इसको लूँगा एंड उसी हिसाब से मैं इसे रोटेट कर दूँगा एंड प्लेस कर दूँगा, ठीक है। तो आपको ये परफेक्टली करना है, मैं तो बहुत ही रफली कर रहा हूँ, आपको परफेक्टली करना है। एंड अब देखो यार, हमने जो पहले रीनेम किया था, सोचो मैंने इस लेयर को रीनेम किया था 1117, जो कि इसकी जेड एक्सिस की वैल्यू है। आपका जो यू का वैल्यू है उसको भी सेम उतना रखना है, 1117, नहीं तो होगा क्या कि आपका टेक्स्ट कहीं और रहेगा एंड 3D वे में आपका लाइन कहीं और रहेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा बारीकी का काम है, आपको बहुत ही आराम से करना होगा, नहीं तो फिर अजीब लग जाएगा। एंड जस्ट ये थोड़ा सा मुझे लाइक ज़्यादा सेंसिटिविटी लग रही है तो प्रॉब्लम हो रहा था। अब इतना आपने कर लिया, फिर इसकी जो स्केल है, स्केल को कम कर देना है। देखो यार, स्केल जो सबका स्केल है वो सेम दिखना चाहिए, बस आपकी जो जेड एक्सेस है वो मैटर करती है। तो 1117 के ऊपर मुझे यू लिखना था, तो मैंने उसकी वैल्यू भी 1117 के आसपास कर दी, 1115 है वैल्यू एक्चुअली, पर दैट विल नॉट मैटर, ठीक है। मीन्स आपको रफली उतना ही वैल्यू कर देना है, जिससे आगे जाकर आप जब इसमें 3D एनिमेशन ऐड करोगे तो उसमें वहाँ पर कुछ वियर्ड सा ना लगे, लगे कि भाई हाँ इस लाइन के ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतना कर लिया, फिर आपको यहाँ पे अपने टेक्स्ट को डुप्लीकेट करना है एंड यू का कॉपी बनाया हमने, इसको हम सी कर देंगे, कुछ भी कर देते हैं। अब इसके एडिट टेक्स्ट पर जाएंगे एंड यहाँ पर मैं सी लिख देता हूँ, और आपको कुछ भी लिख लेना है, ठीक है। मैं तो ऐसे रैंडमली लिख रहा हूँ, आपको अपने लिरिक्स के हिसाब से लिखना है। एंड ये जो टेक्स्ट है इसको जस्ट ऑर्गेनाइज करके मैं 703 के ऊपर रख देता हूँ। एंड इसको मुझे इस पीछे वाली लाइन के ऊपर लिखना है, जिसकी जेड एक्सेस वैल्यू मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके रखी है 703। एंड सेम ये जो आपका है सी टेक्स्ट, उसकी वैल्यू भी आपको 703 कर देनी है। तो इसलिए मैंने नोट डाउन करवाया था, आप चाहो तो किसी पेन कॉपी कहीं भी लिख सकते हो, बाकी रीनेम कर लेना बेस्ट मेथड लगता है मुझे, वो सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। तो आपको रफली रखना है, मैं तो कुछ भी ऐसे रख देता हूँ। एंड सिर्फ स्केल है, स्केल को बढ़ा देना है, पहले जितना कर देना है यू के जैसा, क्योंकि आप जब जेड एक्सेस चेंज करते हो तब आपका स्केल भी बदल जाता है, एंड आपको स्केल सेम रखना है, नहीं तो वियर्ड लगेगा, ठीक है। अब इसको कहीं भी रख दो लाइन के ऊपर एंड इट विल लुक लाइक दिस। तो इतना हो जाने के बाद अब हमें इसमें 3D एनिमेशन ऐड करना है, जिसके लिए बहुत से लोग सोच रहे होंगे दैट आई विल यूज़ कैमरा, बट हाँ कैमरा यूज़ नहीं करने वाला हूँ मैं, आई विल यूज़ नल ऑब्जेक्ट्स, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी कहा था, ठीक है। तो नल ऑब्जेक्ट के लिए आपको पहले प्लस पे क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट पर जाना है एंड ऐड करना है नल ऑब्जेक्ट, एंड नल ऑब्जेक्ट को एंड तक एक्सटेंड कर देना, ठीक है। अब एंड तक एक्सटेंड कर दिया, फिर आपको सारे के सारे लेयर्स पे क्लिक करना है, ऊपर पेरेंटिंग का आइकन आता है उस पे क्लिक करना है एंड नल वन से पेरेंट कर देना है हर एक लेयर को, ठीक है। हर एक सिंगल लेयर को आपको पेरेंट कर देना है नल वन से। तो उससे क्या होगा मैं आपको दिखाऊंगा अभी वैसे लास्ट वीडियो में क्लियर किया था, पर फिर से बोल देता हूँ। अब अगर मैं नल वन को मूव करूँगा तो ये जो पीछे के लेयर्स है वो भी मूव होने लग जाएगी, एंड अगर आप अच्छे से नोटिस कर रहे हो तो ये एक 3D वे में रोटेट हो रही है एंड हमें एक 3D कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है, जिससे हमें बहुत ही अच्छा 3D टाइपोग्राफी देखने को मिलेगा। पर अगर हम कैमरा की यूज़ करते तो उसमें मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ ऐसा अच्छे से देखने को मिलता, कैमरा से भी हो जाता, एक ट्रिक है, पर उतना स्मूद नहीं लगता जितना आपको नल ऑब्जेक्ट से लगेगा, ठीक है। तो अब इसमें एनिमेशन ऐड करने के लिए आपको नल वन पे क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है, आपको अपने पोजीशन के दो की फ्रेम्स डालने हैं, एक तो 0 सेकंड पर एंड एक थोड़े आगे जाकर, फिर जो दूसरा की फ्रेम है उसकी जो जेड एक्सेस है उसको माइनस में ले जाना है एंड इसकी जो एक्स एंड वाई एक्सेस है उसको आपको अपने टेक्स्ट के ऊपर ले जाना है, ठीक है। एंड फिर आपको रोटेशन में जाना है, रोटेशन की भी दो की फ्रेम्स ऐड करने हैं स्टार्ट एंड मिडल में, एंड रोटेट कर लेना इसे, बस आपका जो टेक्स्ट है वो दिखना चाहिए, बाकी एक्स वाई जेड जो भी एक्सेस है सबको आराम से आप एल्टर कर लो। अभी कुछ ऐसा दिखेगा एंड
सॉरी एक गलत की फ्रेम बैठ गया मुझसे। तो देखो यार ये बहुत ही ज़्यादा लाइक टाइम ले रहा है एनिमेशन होने में, तो अभी हमें इस एनिमेशन की स्पीड को एडजस्ट करना है। तो उसके लिए हम ग्राफ्स पे जाएंगे। फोर्थ नंबर का ग्राफ बेस्ट होता है, लाइक यहाँ पे जो फोर्थ नंबर का ग्राफ आ रहा है ना, ये बेस्ट है टाइपोग्राफी एडिट्स के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। ठीक है, अगर आप कोई दूसरा ग्राफ यूज़ करते तो बहुत ही हार्श लगता है, पर ये ग्राफ आप चूज़ करना। प्लस ये जो दो लाइंस है इसका भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, जिससे जो एनिमेशन है वो और स्मूथ हो जाए। एंड यही ग्राफ कॉपी कर लेना, फिर आप रोटेशन में जाना, सेम वही ग्राफ पेस्ट कर देना एंड इसको प्ले करके देखो। देखो कितना स्मूथ लग रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। एंड एक चीज़ मैं भूल गया था कि हमें अपने टेक्स्ट में भी ड्रॉप शैडो ऐड करना है, तो जस्ट आई विल ऐड दिस। ठीक है, एंड कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ड्रॉप शैडो को एडजस्ट कर लेना, मैंने तो भूल गया था मैं, पर आपको एडजस्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर अपने सेकंड टेक्स्ट के ऊपर जाना है, एंड उसके लिए हम और एक नल ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो ऑब्जेक्ट पर जाएंगे, नल ऐड करेंगे, नल टू है ये, एंड नल टू को भी एंड तक एक्सटेंड कर लेंगे। अब देखो हम अगर चाहते तो नल वन से ही अपने सेकंड वाले टेक्स्ट पे भी जा सकते थे, उसमें भी 3D कॉन्ट्रास्ट आ जाता, पर वहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती दैट हमारा जो एनिमेशन है वो उतना स्मूथ नहीं लगता, एंड एट अ पॉइंट हमारा एनिमेशन रुक जाता। ठीक है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम चाहते कि हमारा एनिमेशन कंटिन्यूसली होते रहे। तो वी कैन यूज़ नल ऑब्जेक्ट्स फॉर दैट, ठीक है, जिससे हम अपने एनिमेशन के की फ्रेम्स को एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सके, जिससे हमारा एनिमेशन स्मूथ हो जाए। तो उसके लिए अब क्या करना है, उसके लिए आपको नल वन पे क्लिक करना है, पेरेंटिंग पर जाना है एंड पेरेंट कर देना नल टू से, जिससे नल टू अब हमारा लाइक नल टू को मूव करोगे सब मूव होगा। ठीक है, बिकॉज सब कुछ नल वन से पेरेंट है एंड नल वन खुद नल टू से पेरेंट है। फिर क्या करना है, फिर आपका जो की फ्रेम है नल वन का वो आपको शो हो रहा होगा आपके टाइमलाइन पे। अब ये की फ्रेम जहाँ पर है वहाँ पर आपका एनिमेशन स्टॉप हो जा रहा है, एंड अगर हम नल वन का यूज़ करते एंड इस की फ्रेम के बाद हम एनिमेशन करते सी पर जाने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता, वहाँ पर ये होता कि हमारी एनिमेशन कुछ सेकंड्स के लिए स्टॉप हो जाती, जो कि बिल्कुल वियर्ड लगता। तो इसलिए हमें इस की फ्रेम से थोड़े से आगे आ जाना है। सॉरी मैंने नल को मूव कर दिया, तो आपको की फ्रेम से थोड़ा सा आगे आ जाना है जहाँ पर एनिमेशन चल ही रहा है, एंड आपको अपने नल टू पे क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म का एक की फ्रेम वहाँ पर डाल देना है, एंड एक आपको एंड में डाल देना है। थोड़े से एंड से पहले डालता हूँ बिकॉज अजीब लग रहा था, एंड इसको आपको ले जाना है सी के पास। ठीक है, एंड जेड एक्सिस को भी चेंज कर देना है, अब जेड एक्सिस भी चेंज कर दिया, ये भी चेंज कर दिया। फिर रोटेशन के दो की फ्रेम्स डाल दो, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, एंड दो की फ्रेम्स डाल दी हमने जेड एक्सिस सॉरी रोटेशन के, तो इसको रोटेट कर लेंगे हम लोग। अब इसका एक्स एंड वाई एक्सिस भी बदलना पड़ेगा, तो ये कुछ ऐसा लगेगा। अब देखो यार और एक चीज़ है कि जो पूरा रोटेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना रोटेट करना कि टेक्स्ट रीडेबल हो जाए पूरा। आपको ऐसा नहीं करना है कि वो आपको एकदम पूरा का पूरा 90 डिग्री में दिखाना है एंड ऑल। ठीक है, तो उसके बाद आपको अपना सेम वही ग्राफ पेस्ट कर देना है, एंड जेड एक्सिस को भी चेंज करना था, एंड यहाँ भी वही ग्राफ पेस्ट कर देना है। एंड अब इसको मैं प्ले करता हूँ तो ये कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है। फिर आपका जो बैक, आपको और भी टेक्स्ट ऐड करने तो कर सकते हो जैसे मैंने आपको कहा था, एंड अगर आप चाहो तो बैकग्राउंड में कुछ ऐड कर सकते हो, लो ओपेसिटी में चला सकते हो, बाकी ब्लैक बैकग्राउंड भी अच्छा लग रहा है। एंड इसमें आप बहुत सारे इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो, लाइक ग्लिच हो गया, वार्प हो गया, पिंच, बल्च, बेसिकली कुछ भी कर सकते हो। RGB ग्लिच भी मैंने देखा है बहुत सारे एडिटर्स ऐड करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है, तो वो भी आप कर सकते हो, बाकी इट्स टोटली अप टू यू। एंड एक चीज़ लास्ट में करना है जो आप भूल मत जाना कि अपने लेयर्स में मोशन ब्लर ऐड करना, एंड मोशन ब्लर की जो ट्यून है उसको रिड्यूस कर देना, बिकॉज सारे के सारे एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, तो उसमें अगर हाई मोशन ब्लर रहेगा तो हाँ वियर्ड लगेगा, बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अब मैं वही सेम मोशन ब्लर सब में पेस्ट कर रहा हूँ, बस नल ऑब्जेक्ट्स में मोशन ब्लर पेस्ट नहीं करना है। एंड आज वाला जो वीडियो था उसमें मैंने नल ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा लाइक आराम से समझाया है कि क्या कैसे करना है। ठीक है, जिससे आपको फ्यूचर में और डाउट्स ना रहे कि भाई ये नल ऑब्जेक्ट क्या है, ये पेरेंटिंग क्या है। एंड अगर लाइक आपको समझ आ गया होगा आज वाला वीडियो में कि नल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, देन मैं फाइनली फ्यूचर में आगे जाकर आपको नल ऑब्जेक्ट्स के साथ से एक ट्रांजिशन ऐड करना सिखा पाऊँगा। तो बस यही कुछ था आज के वीडियो में,
एंड बस तुम नीचे कमेंट कर देना नेक्स्ट वीडियो क्या चीज़ के ऊपर चाहिए। वैसे एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है एक ग्लिच इफेक्ट के ऊपर, नेपट्यून एंड 6FT3 की तरह। वो वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई है पर हाँ बहुत जल्दी आ जाएगी। बाकी मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, पीस आउट।